नमस्कार आप सभी को। मैं राहुल तोमर, विन इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हनॉय से। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरे को मेरे लिंक्डइन पे, मेरे व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कुछ लोगों का, था कि सर हम वियतनाम से स्पाइसेस, दालचीनी, सिनेमोन और स्टार इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। और भी स्पाइसेस थे बट मेनली दालचीनी, जिसे हम इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं, सिगरेट सिनेमन और ब्रोकन स्प्लिट सिनेमन, काफ़ी काफ़ी वेराइटीज़ होती है इसमें, काफ़ी टाइप के होते हैं। दालचीनी हिंदी में दालचीनी, हमारे हिंदुस्तान में दालचीनी के नाम से जाना जाता है, जिसको आप और हम अपनी रसोई में, अपनी डेली लाइफ के रूटीन लाइफ में, हर मील के साथ आप कह लो, चाय के साथ कह लो, मसाले में या किसी भी रूप में, पाउडर में या कैसे भी, हम एवरीडे इसको कंज्यूम करते हैं, चूँकि उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो बात की जाए हिंदुस्तान में मसाले के लिए, हिंदुस्तान में क्या दालचीनी नहीं होती है, या हिंदुस्तान में स्टार्स नहीं होते, या ब्लैक पेपर नहीं होता? बिल्कुल होते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सब चीज़ होती है, हिंदुस्तान में स्पाइसेस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली स्पाइसेस हिंदुस्तान के साउथ पार्ट में होते हैं, जैसे कि अपना केरला हो गया, गोवा हो गया, साउथ ऑफ इंडिया, निचले डाउन 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 साउथ पार्ट में होते हैं। सो लेकिन जो हिंदुस्तान में अपने दालचीनी, सिनामिन्स होते हैं या स्टार्स होते हैं, जो भी हम स्पाइसेस करते हैं, मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम उन्हें गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं, सम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं। इट्स डिपेंड कि किस कंपनी के, किस फार्मर के कितने लिंक्स हैं, या वो किनको सेल आउट कर रहे हैं, कौन उनको कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है, बट मोस्टली वो एक्सपोर्ट होते हैं, वो इंडिया में सेल नहीं होते हैं, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है। बाकी की जाए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ हम कर रहे हैं दालचीनी, या जो हमारी लोकल मार्केट्स में या होलसेल मार्केट्स में सेल हो रही है दालचीनी, वो दालचीनी कहाँ से आती है, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? अगर मैं बात करी जाए खारी बावली की, या मैं बात करूँ इंडिया में कहीं और अच्छी मार्केट की, तो मेरे हिसाब से खारी बावली सबसे अच्छी मार्केट है। और मैं बात करूँ खारी बावली में, तो वहाँ के जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जितने भी व्यापारी आदमी हैं, वो टोटली दालचीनी प्रेफर करते हैं दो जगह से इंपोर्ट करना। एक बात करी जाए तो पहला है वियतनाम, दूसरा है श्रीलंका। क्या रीज़न है? और भी कंट्रीज से दालचीनी इंपोर्ट होती है, और भी कंट्रीज से अदर स्पाइसेस इंपोर्ट होते हैं, अफ्रीका से भी होते हैं, और भी रिलीजन्स हैं, लेकिन इन दो कंट्रीज़ के साथ ही क्यों वो इंपोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बिकॉज इनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके हमारी ड्यूटी सेफ हो जाती है। एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वियतनाम और इंडिया के बीच में है, और भी अदर कंट्रीज़ के बीच में है, और इसकी 50 ईयर्स लीज है, 50 ईयर्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, डिटेल्स के लिए आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, या मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। सो साथियों, वियतनाम के जो स्पाइसेस है वो बेस्ट क्वालिटी के स्पाइसेस है, जो दालचीनी है, सिनेमन है, वो भी बेस्ट क्वालिटी की है। और मोस्टली हिंदुस्तान में हम जो भी अपनी रूटीन लाइफ में मसालों के रूप में, पाउडर में, या जैसे भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो टोटली वियतनामीज़ है और श्रीलंकन है। सो बिकॉज मैं वियतनाम में ज़्यादा डील करता हूँ, मेरी वियतनाम में ज़्यादा अच्छी पकड़ है, तो मैं वियतनाम की ही कंपनीज के बारे में आपसे बात करूँगा। आप लोग वियतनाम से दालचीनी इंपोर्ट करके एक नया अपना लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, या अपना नया मसालों के बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप ईजिली ग्रो स्लोली स्लोली कर सकते हैं। आप भी यहाँ से इम्पोर्ट करके उसको फिनिश गुड में करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अनदर जगह। इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे डील करते हैं। बाकी रही बात दालचीनी इंपोर्ट करने के लिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, आप लोग कैसे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर दालचीनी इंपोर्ट कर सकते हो, मिनिमम क्वांटिटी क्या रहती है, कस्टम कितना है, ड्यूटी कितनी है, जीएसटी कितना है, वियतनाम का कस्टम कैसे होगा, इस सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे देता हूँ, अभी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग डायरेक्टली किसी फार्मर से परचेज करते हैं, तो फार्मर डायरेक्टली आप लोगों के साथ डील नहीं करेंगे, आपको किसी कंपनी के साथ डील करनी पड़ेगी जो कि फार्मर से परचेज कर रही है। आप लोग डायरेक्ट फार्मर से अप्रोच करेंगे तो फार्मर आप लोगों से डील नहीं करेगा, लैंग्वेज बैरियर भी आएगा, और वो एक्सपोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वियतनामीज लोग चाइनीज लोगों की तरह नहीं है, ये हेजिटेज होती है, घबराते हैं कि हम फॉरनर के साथ ज़्यादा डील कैसे करें, तो ये लोकल पीपल्स के साथ, लोकल कंपनीज के साथ डील करना ज़्यादा प्रेफर रहते हैं। आप लोग कैसे भी गूगल से, लिंक्डइन से, येलो पे से डायरेक्टली आप लोग सर्च कर सकते हैं स्पाइसेस कंपनी, और उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे एफओबी प्राइस या सीआईएफ प्राइस, जैसे भी आप लोग को है, आप लोग मार्केट सर्वे कीजिए, मार्केट एनालिसिस कीजिए कि कितना प्राइस है, क्या प्राइस है, कितने प्राइस पे आपको लैंडिंग चाहिए, कितने प्राइस की आपको मार्केट में सेल करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ये सारा सर्वे आप लोग कर लें।
अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि एवरी स्टेट, इंडिया में जितने भी स्टेट है, हर स्टेट की अलग अलग बात है। बिकॉज मैं दिल्ली से बिलोंग्स करता हूँ और ओल्ड दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो आई नो कि खारी बावली के क्या रेट है, बट आई डोंट नो कि मुंबई के क्या रेट है और अहमदाबाद के क्या रेट है। और मैं गो टू साउथ पार्ट, तो वहाँ का तो बिल्कुल ही मुझे नहीं पता है। और बात की जाए तो आप लोग पहले एक बार मार्केट रिसर्च करके, अगर आप लोगों का कुछ भी प्लान है या विचार है कि हाँ मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को इम्पोर्ट करना है, तो आप लोग मार्केट रिसर्च करके, प्राइसेस कंफर्म करके और कंपनीज के साथ डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप लोग हमारे थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। वी हैव अ गुड लिंक्स विद मैनी फार्मर्स, मैनी कंपनीज, और हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। सो आप लोग हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर टू प्रोवाइड द बेस्ट प्राइस। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट प्राइस दें, बिकॉज वी नो दी इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में क्या माल बिकता है, किस रेट पे बिकता है, वी नो एवरीथिंग। हमें पता है कि क्या है, क्या क्या नहीं है, और किस क्वालिटी का माल है, किस क्वालिटी का रेट है, क्या परसेंटेज है, ऑयल कंटेंट कितना है, और काफ़ी सारी है। सदियों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको सिर्फ रेट नहीं है, इसको इम्पोर्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर भी फॉलो हमें करना पड़ता है। एक्चुअल में इंडिया के ऊपर दालचीनी, बिकॉज हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि यार हम सस्ती चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे तो हमारे फार्मर को हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे, जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, जो लोकल प्रोडक्टिविटी है, उसको हम कैसे वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस पर ड्यूटी एप्लीकेबल करी हुई है। आप लोग सर्च करेंगे तो दालचीनी के ऊपर, स्टार्स के ऊपर, इनके ऊपर अराउंड 30% कस्टम ड्यूटी है, BCD, और 5% GST है। जो ड्यूटी आप लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा इस पे, या प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट के थ्रू या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के थ्रू आप लोगों को इसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, आप लोगों को थोड़ी सी ड्यूटी में राहत मिल जाएगी, और जिससे कि आपकी थोड़ा सा ड्यूटी से हो जाएगा, आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में आ जाएगी। बात की जाए आप लोगों को इसको इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में क्या सर्टिफिकेट चाहिए, इंडिया में कुछ खासा सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं चाहिए। आपको सिर्फ FSSAI का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि फूड लाइसेंस होता है। आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए और GST होना चाहिए। आप लोग इन तीन चीज़ के थ्रू इजिली इसको इंपोर्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़, वियतनाम में क्लियरेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा और इंडिया में टैक्स सेव के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ, इसके लिए बेसिकली हमें तीन लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आप जिस भी कंपनी से माल परचेज करें, आप उनसे डिमांड कीजिए कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया जाए, हमें फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट दिया जाए, हमें फिनोसैनिटरी सर्टिफिकेट डिमांड दिया जाए। वैसे सभी कंपनीज को पता है कि इंडिया के लिए इन तीन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, तो आप लोग एक बार उनको बोल देंगे, एक हल्का सा हिंट भी देंगे, तो वो समझ जाएंगे, वो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट अलाउ कर देंगे। तो साथियों, इन सर्टिफिकेट्स को लेके आप इंडिया में जाके अपने CHA को प्रोवाइड कराइएगा, आपका CHA ईजिली आपको क्लियरेंस दे के, और आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप लोग बात करें 20 फिट की, तो 20 फिट कंटेनर के अंदर इसकी क्वांटिटी अराउंड आती है 8 टन के अराउंड, 8 से 9 टन। और मैं बात करूं अगर 40 फिट कंटेनर की, तो 40 फिट कंटेनर के अंदर आएगी 15 टन, 15 टन, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड बैठेगी तकरीबन, इट्स अप टू यू कि आप किस क्वालिटी का माल खरीद रहे हैं। मैं बात करूँ मिनिमम प्राइस की, तो मिनिमम प्राइस आप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 100 रुपीज़ से। आप लोग 100 रुपीज़ पर KG के हिसाब से परचेस कर सकते हैं, और ड्यूटी व्यूटी लगा के इंडिया में वो 140-150 रुपये तक आप लोग होलसेल में सेल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या क्वांटिटी ले रहे हैं और क्या क्वालिटी ले रहे हैं। इट्स प्राइस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन क्वालिटी। सो मैंने जो अभी आपको बताया है वो सबसे लो क्वालिटी का बताया है, जो कि इंडिया में इस टाइम सेल हो रहा है, जो आप और हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो गरम मसाले में हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो हर्बल मेडिसिन के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग जो पाउडर भी मार्केट में सेल हो रहा है जिसके लिए भी, तो वो दालचीनी यही है। आप लोग अप टू यू है कि आप लोग किस क्वालिटी का माल लेके किस क्वालिटी का माल सेल करना चाहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं समापन देख रहा हूँ, और कुछ डाउट हो, कुछ इंक्वायरी हो, तो आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं अपना डिटेल्स और शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन है आप उससे पूछिए, जो भी हेल्प होगी मैं आप लोगों की जरूर करूंगा। मेरी कंपनी आप लोगों की जितना भी हो सकेगा आप लोगों को जरूर सपोर्ट करेगी, नॉलेज भी और लिंक्स वाइज भी। सो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा चाहूँगा। थैंक यू सो मच।